तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद से ही लोग बिजली बिल की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र ने आश्वासन दिया लोगों को कि बिजली बिल से राहत दी जाएगी। अब जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है कि अब वो राहत नहीं दे पाएगी, लोगों को बताया हुआ बिल भरना ही पड़ेगा, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी और पिछले साल का औसत निकालकर बिजली बिल भेजे गए थे। वहीं ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लॉकडाउन में रोजगार व्यवसाय सब बंद होने से सरकार बिजली बिल से राहत देंगी, लेकिन खतरनाक कोरोना वायरस का संकट और लॉकडाउन के बीच देश की 100 करोड़ की आबादी घरों में बंद थी। ऐसे में लोगों को राहत देने का आश्वासन पूरा नहीं कर पाई सरकार और ना ही कोई एक्शन लेती दिखाई दी। केंद्र सरकार के तरफ जब हमने मांग की निधि की, तो उन्होंने हमको कहा कि 10.8% के हिसाब से हम ब्याज लेंगे आपसे और ब्याज लेकर ये राशि देंगे। हमने कहा कि लोगों को राहत देनी है तो आप राहत देने के लिए बगैर इंटरेस्ट के हम आपने देना चाहिए, वो केंद्र सरकार ने हमें दिया।